नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई विकास खैर आज माता काल का नियावली की कल के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो एंड तक देखना, एंड में भी मैंने एक जानकारी दी है और ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबरों के लिए पेश करने जा रहा हूँ। और मैं एक ऐसे सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मांग की थी, ग्रीश वाल्मीकि। ये वीडियो में भाई ग्रीश का नाम लेना चाहता हूँ मैं। माता नियावली की कल का स्थान रुस्तमपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रुस्तमपुर के नियावली गांव में इनका स्थान है माता नियावली की कालका, जहाँ के नाम से कहलाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं। टिड्डी गुरु थे दोस्तों, टिड्डी गुरु के लड़के की शादी में आई थी माता। ठीक है दोस्तों, तो टिड्डी गुरु के लड़के की शादी में दहेज में आई थी ऐसा बताया जाता दोस्तों, और बांस के पूरे की मांग की थी टिड्डी गुरु ने इन्होंने। तो बांस का बोरा जैसे कि लाए थे, तो बांस का बोरा पूरा जहाँ पे रखा गया था ना दोस्तों, वहीं पे देवी प्रकट हुई थी। कुछ इस प्रकार देवी की कहानी है जो कि मैं पूरी बताऊँगा, वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है माता कालका है कौन। तो भाइयों, माता ढाके बंगाल की काली हैं। माता नियावली की कालका नियावली खेड़े की नहीं थी। माता कालका का नियावली खेड़े में जो चलन और इनकी स्थापना के ऊपर की जो कहानी है वहाँ से, और वहाँ की ये कब हुई, तो माता कालका नियावली खेड़े की तब हुई जब ये टिड्डी गुरु के लड़के की शादी में आईं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छी लगी होगी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माता को दान में आई हुई माता माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये माता डोली में आई हुई माता मानी जाती हैं। ये डोली में आई थी टिड्डी गुरु के लड़के की शादी में, क्योंकि टिड्डी गुरु और ने इन्होंने मांग की थी बांस के पूरे में। ये आई थी जहाँ पे बांस के पूरे को रखा गया था वहीं पे देवी प्रकट हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये सत्य बताया जाता है दोस्तों, बांस के पूरे को जहाँ पे रखा गया था वहीं पे देवी प्रकट हुई, इन्होंने शक्ति दिखाई। इसी कारण नियावली खेड़े में माता को पूजा गया दोस्तों। ठीक है, ये थी नियावली की कालका की छोटी सी कहानी दोस्तों। अभी भी दोस्तों बहुत कुछ बाकी है इस कहानी में, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माता का थान उत्तर प्रदेश के रुस्तमपुर नियावली गाँव में है, ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। और इनके इतिहास में दोस्तों ये भी लिखा हुआ है, विष्णु जी इनके साथ हैं और माता चामड़ इनके साथ में है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, मैं कुछ बहुत सारी बातें ऐसी करूँगा जो कि इस वीडियो से और इस कहानी से मिलती जुलती होंगी। और दोस्तों इनके जो जयकारे हैं, बांस के पूरे की भी जय बोलती है देवी। ठीक है, क्योंकि उसमें आई थी, लड़कों वालों ने मांग की थी तो उसमें ही आई थी, और जहाँ पे रखा गया वहीं पे देवी प्रकट हुई थी। नीम के पेड़ की भी जय बोलती हैं। ठीक है, और दोस्तों भगवान सिंहासन की भी देवी जय बोलती हैं। तो ये इनके विशेष जो छोटी छोटी जानकारियाँ थी, जितनी मुझे दोस्तों पता चली या जितना मैंने पढ़ा, वो आप सबके सामने आज मैं वीडियो के रूप में पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों, जितना मुझसे होता है मैं उतना करता हूँ आप सबके लिए। जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक छोटी सी बात जो कि आप सबको बताना भूल गया था मैं वीडियो के अंदर, माता ने एक लड़की को ना सूरी में बदल दिया था, एक लड़की को सूरी बना दिया था देवी ने। ठीक है दोस्तों, ये भी एक विशेष जानकारी थी जो कि पता होनी चाहिए सबको। ठीक है,
मिलते हैं अगली वीडियो में।